बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ ओवर थर्ड लेक्चर ऑफ अप्रैल मंथ, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड क्लास फिफ्थ। ओपन योर बुक पेज नंबर 16 एंड एट द टॉप ऑफ द पेज मेंशन द डेट रीडिंग एंड द डे एंड आवर टॉपिक इज द शो। हाउ डिड विलियम एंड हिज फ्रेंड्स प्लान टू कलेक्ट मनी? विलियम और उसके दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करने का कैसे मनसूबा बनाया? वर दे सक्सेसफुल? क्या वो कामयाब हुए? Students, these are questions and after reading you will be able to answer these questions. So listen carefully. William and his best friend Henry, who was 12, were members of the Society of Outlaws, a schoolboy gang. William aur uska dost Henry, jiski umar 12 saal thi, school ke ladkon ke ek tolle mujrimon ki society ke rukan the. The outlaws used to meet in the old barn on half holidays of Sunday afternoons and make plans. मुजरिम आधी छुट्टी पर या इतवार की सपहरों में पुराने बाड़े में मिला करते और मंसूबे बनाया करते। लेट्स बाय सम बोज एंड एरो, सुजेस्टेड विलियम। हमें कुछ कमाने और तीर खरीदने चाहिए, विलियम ने तजवीज़ किया। देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन जस्ट लाइक रियल आउटलॉज। तब हम बाहर जा सकते हैं और परिंदों और मुर्गियों को निशाना बना सकते हैं बिल्कुल असली मुजरमों की तरह। Where are we going to get these bows and arrows? asked Henry. Henry ने पूछा कि हमें ये कमाने और तीर कहाँ से मिलेंगे? We haven't got enough money to buy them. हमारे पास इन्हें खरीदने के लिए खातिर खा रकम भी नहीं। They are too expensive for us. वो हमारे लिए बहुत महंगे हैं। Then we need to collect some more money, said William. विलियम ने कहा तब हमें कुछ मजीद रकम इकट्ठी करने की ज़रूरत है। Who usually had bright ideas? जिसे अमूमन दानिशमंदाना ख्याल सुझा करते। वेट, आई नो, ठहरो, मैं जानता हूँ। वी कुड डू अ शो, हम एक नुमाइश लगा सकते हैं। गेट सम एनिमल्स एंड चार्ज अवर फ्रेंड्स मनी फॉर लुकिंग एट देम लाइक एट द जू। चंद जानवरों को पकड़ो और उन्हें देखने के लिए अपने दोस्तों से रकम वसूल करो चिड़ियाघर की तरह। द अदर्स नोडेड, बाकियों ने इस्बात में सर हिलाया। Well then he continued, we will have a show and get enough money to buy bows and arrows. तो फिर उसने बात आगे बढ़ाई, हम एक नुमाइश लगाएंगे और कमाने और तीर खरीदने के लिए खातिर खा रकम जमा करेंगे। We will arrange the show for next Sunday afternoon. हम नुमाइश का एहतमाम हम अगली इतवार की सुपहर को करेंगे। William returned home for tea with his parents and Aunt Emily. विलियम अपने वालदैन और आंटी एमिली के साथ चाय पीने के लिए घर लौट आया। आंट एमिली वाज अ टॉल लेडी, आंटी एमिली एक दराज कद खातून थी। हु हैड बीन रिकवरिंग फ्रॉम अ स्लाइट कोल्ड फॉर अबाउट 2 ईयर्स, जो तकरीबन दो साल से मामूली जुकाम से सेहतियाब हो रही थी। शी स्पेंड हर डेज ईटिंग एंड स्लीपिंग, वो अपने दिन खाते हुए और सोते हुए गुजारती थी। She had not yet mentioned a date for her leaving. अभी तक उन्होंने अपने जाने की अपने रुखसत होने की तारीख का तज़करा नहीं किया था। Which made William's father anxious. जिससे विलियम के अब्बू बहुत परेशान थे। It will be a long, long time before I am better, said Aunt Emily. मुझे बेहतर होने में बहुत बहुत तवील अरसा लगेगा, said Aunt Emily. Aunt Emily ने कहा। As she took 7 pieces of bread and butter. आंटी एमिली ने मक्खन लगी रोटी का 7वां टुकड़ा लेते हुए कहा। एंड अनदर पीस ऑफ केक प्लीज विलियम, और अजराहे करम केक का एक और टुकड़ा विलियम। देन आई विल गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ रेस्ट, फिर मैं ऊपरी मंजिल में जाऊंगी और आराम करूंगी। एवरी संडे आफ्टरनून, हर इतवार की सपहर को विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड, विलियम की वालदा एक सहेली के हाँ जाती। एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप, और उसके वालिद कवील कैलूला करते। व्हेन संडे केम, जब इतवार आई, विलियम क्वाइटली आस्क्ड हिज मदर, विलियम ने धीरे से अपनी वालदा से पूछा, वेदर ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम फॉर द आफ्टरनून, क्या वो अपने दोस्त सपहर के लिए अपने चंद दोस्तों को कमरे में बुला सकता है। शी एग्रीड, वो राजी हो गई। The outlaws had prepared all the exhibits for the show. मुजरमों ने नुमाइश के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर लीं।
एंड बाई 2:30 ऑल वॉज रेडी, और 2:30 बजे तक सब तैयारियाँ मुकम्मल हो गईं। फॉर ईच एग्जिबिट विलियम एड रिटन अ कार्ड विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट। हर नुमाइश के साथ विलियम ने एक कार्ड लिखा जिस पर तमाम हकायक दर्ज थे। देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट पेंटेड इन ब्लू एंड पिंक स्ट्रिप्स। एक बड़ा सा सफ़ेद चूहा था जिस पर नीली और गुलाबी धारियाँ पेंट की गई थी। देयर वॉज अ कैट शट इन टू अ कैट बास्केट विच इट वॉज स्ट्रेचिंग एंग्रीली विद इट्स क्लॉज। एक बिल्ली थी जिसे बिल्लियों की टोकरी में बंद किया गया था, जिसे वह गुस्से से अपने पंजों से खुरच रही थी। देयर वॉज अ टॉल जेंट, एक तवील कामत देवता, वन आउटला ऑन दी बैक ऑफ एनदर, देयर लार्ज कम्बाइंड वुड रैप्ड इन अ लार्ज शीट। एक मुजरिम दूसरे की कमर पर और उनका देव कामत मुश्तरका वजूद एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था। देयर वॉज अ ब्लैक फॉक्स फर, स्याह लूमड़ी की एक खाल थी, विच हैड बिलोंग टू विलियम्स ग्रैंड मदर, जो विलियम की दादी की मलकियत थी। इट वॉज लेड ऑन दी फ्लोर एज दो इट वॉज अ स्लीप। इसे फर्श पर यूं बिछा दिया गया जैसे ये सो रहा है। देयर वॉज हैनरी स्मॉल पेट डॉग, हैनरी का छोटा सा पालतू कुत्ता था। हैनरी हैड पेंटेड इट ब्लू, हैनरी ने उस पर नीला रंग कर दिया था। विलियम वॉज द शोमैन, विलियम नुमाइशकार बना। ही हैड ड्रेस्ड इन अ रेड ड्रेसिंग गाउन ऑफ हिज फादर एंड हैड मेड हिमसेल्फ अ स्मॉल रेड मॉस्टेज फ्रॉम द एजिज ऑफ एन ओल्ड रग। उसने अपने अब्बू का सुर्ख चोगा पहन रखा था और एक पुरानी दरी के किनारों से अपने लिए एक छोटी सी सुर्ख मूंछ भी बना ली थी। द चिल्ड्रन क्लाइम्ब ऑन टू द गार्डन वॉल, बच्चे बाग की दीवार पर चढ़े। क्रॉल्ड अलोंग इट, उस पर हाथों पैरों के बल उस पर चलते हुए। क्लाइम्ब थ्रू द विंडो, विलियम की कमरे की खिड़की के अंदर घुसे। ऑफ विलियम्स बेडरूम एंड पेड देयर एंट्रेंस फी, और अपने अपने दाखिले की फीस अदा की। When they were all seated, जब वो सब बैठ गए, William proudly presented the exhibits one by one. तो William ने बड़े फ़खर के साथ एक एक करके अशियाए नुमाइश पेश की। This is the only blue and pink rat in the whole wide world. पूरी दुनिया में यह वाहिद नीला और गुलाबी चूहा है। It lives in China, ये चीन में रहता है, and was brought over specially for the show. और इसे ख़ास तौर पर यहाँ लाया गया था शो के लिए, नुमाइश के लिए। एंड दिस इज़ अ वाइल्ड कैट, और ये एक जंगली बिल्ली है। होल्डिंग अप द बास्केट विद द कैट इन इट, और बिल्ली समेत टोकरी को ऊपर उठाए। विच वॉज हिजिंग एंड स्पीटिंग, जो कि फनकार रही थी और थूक रही थी। लुक एट दिस वाइल्ड कैट, इस जंगली बिल्ली को देखो। द फीर्सेस्ट कैट इन द होल कंट्री, पूरे मुल्क में सबसे तंदखू बिल्ली। After William had introduced all the exhibits, जब विलियम ने तमाम अशिया नुमाइश मुतारफ करा डाली, a large deep roar started coming from the next room. साथ वाले कमरे से एक बड़ी गहरी सी धार सुनाई देने लगी। It sounded like a mighty wind. ये किसी कदर with some low deep thunder. ये किसी कदर हल्की गहरी गरज के साथ चलती हुई एक तेज़ हवा मालूम हो रही थी। Aunt Emily was having the afternoon sleep and was snoring. आंटी एमिली सपहर का कैलोला कर रही थी और खराटे ले रही थी। एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन आंट एमिली स्नोरिंग, चूंकि हाजरीन आंटी एमिली के खराटों में खासी दिलचस्पी लेते हुए मालूम हो रहे थे, विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया। विलियम को एक और दानिशमंदाना ख्याल सूझ गया। इफ़ दे आर लिसनिंग, अगर वो सुन रहे हैं, दे शुड बी पेइंग, तो उन्हें पैसे भी देने चाहिए। बट वाई जस्ट लिसन, लेकिन सुना ही क्यों जाए। मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर, मुमकिन है कि वह साथ वाले कमरे में खराटे लेने वाली से मिलने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे दे डालें। विलियम वेंट क्वाइटली इन टू आंट एमिलीज बेडरूम, विलियम खामोशी से आंट एमिली की ख्वाबगाह में गया। ऑन द बिसाइड टेबल ही सा हर कॉम्ब, पलंग के साथ वाली मेज़ पर उसने उनकी कंघी देखी। A hairpiece that she usually tied into her own hair, और एक विग जिसे वो अपने बालों में लगाया करती थी। And a glass containing her false teeth, और एक गिलास जिसमें उनके नकली दांत पड़े हुए थे। William came back and quickly wrote notices for these objects, the wild woman's hairpiece and the wild woman's teeth. William वापस आया और तेज़ी से इन चीज़ों के लिए notices लिखे। जंगली औरत की विग और जंगली औरत के दांत।
ही रोड अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू. उसने आंट एमिली के लिए भी एक नोटिस लिखा. द स्नोरर इमीजिएटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून. खराटे लेने वाली फ़ौरन ही सपहर की सबसे मकबूल नुमाइशी शह बन गई. चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द रूम. बच्चे कमरे से बाहर निकलते एंड री ज्वाइन द बैक ऑफ द क्यू पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू रिविजिट द स्नोरर. बच्चे कमरे से बाहर निकलते और दोबारा कतार के पीछे लग जाते खराटे लेने वाली को दोबारा देखने के लिए फालतू पैसे देते हुए. सडनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आंट एमिली अवोक विद अ स्टार्ट. अचानक इस सब के बीच आंट एमिली एक झटके के साथ बेदार हो गईं. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज क्रैक द फॉल्स स्टेटमेंट्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट की मालूमात की मदद से फॉल्स स्टेटमेंट को निशानदही करें. फर्स्ट, विलियम वॉन्टेड टू कलेक्ट मनी सो दैट दे कुड गो टू द जू. विलियम पैसे जमा कर रहा था ताकि वो चिड़ियाघर जा सकें. नो स्टूडेंट्स विलियम डज नॉट गो टू द जू. ही मेक अ शो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, आंट एमिली हैड बिन वेरी इल 2 years अगो. आंट एमिली 2 साल से सख्त बीमार थी. नो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड वन इज आंट एमिली इंजॉयड ईटिंग एंड स्लीपिंग. आंट एमिली खाना और सोना इंजॉय कर रही थी. यस दिस इज ट्रू. विलियम्स मदर सेड दैट ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम ऑन संडे आफ्टरनून. विलियम की माँ ने कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों को इतवार की सपहर के लिए अपने कमरे में बुला सकता है. यस स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो ट्रू. द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड नॉकड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ विलियम्स हाउस. बच्चे जब शो देखने आए नुमाइश देखने के लिए तो विलियम के सामने के दरवाजे से घर में दाखिल हुए. नो स्टूडेंट्स ही एंटर्स एट द बैक डोर. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 6, विलियम रोड द नोटिसेस फॉर आंट एमिली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड. जब शो शुरू हुआ तो विलियम ने आंट एमिली के लिए नोटिस लिखे. यस दिस इज ट्रू. एट द लास्ट स्टूडेंट्स योर डायरी इज रीडिंग पेज नंबर 16 एंड 17 विद उर्दू ट्रांसलेशन एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द मैसेज ऑफ द डे. लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन. एवरी वन इज ऑन देयर जर्नी. लिव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एबिलिटीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.